नमस्कार, मैं नितेश गर्ग और आप देख रहे हैं खबर 11 बजे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे पहली महत्वपूर्ण खबर से, मध्य प्रदेश से, जहां प्लेन से तीर्थ यात्रा कराने वाला देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया है। भोपाल एयरपोर्ट से रविवार सुबह प्रयागराज के लिए 32 बुजुर्ग तीर्थ यात्रियों ने फ्लाइट से उड़ान भरी। बुजुर्गों को यात्रा मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के तहत कराई जा रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद बुजुर्गों को छोड़ने के लिए एयरपोर्ट तक आए। उन्होंने बुजुर्गों को प्रयागराज के लिए रवाना करते हुए कहा कि राम की कृपा से आप तीर्थों के दर्शन करेंगे और प्रदेश का आपका आशीर्वाद मिलेगा, प्रदेश को आपका आशीर्वाद मिलेगा। सीएम ने घोषणा करते हुए कहा कि अगली फ्लाइट में जोड़े से बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि एक संकल्प आज पूरा हुआ है, मेरे माता पिता के समान बुजुर्ग आज हवाई जहाज से तीर्थ यात्रा कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कर्तव्य है कि मनुष्य को हर प्रकार के सुख देने की कोशिश करना चाहिए। ठीक है, आराम से, ठीक है, आराम सबको। हर हर गंगे, हर हर गंगे। हमारे बुजुर्ग जिनको मैं माता पिता ही मानता हूँ, आज तीर्थ यात्रा पर हवाई जहाज से यहाँ से रवाना हो रहे हैं। मेरे सभी तीर्थ यात्रीगण, उनको मैं दोनों हाथ जोड़ के शीश झुका के प्रणाम करता हूँ। एक संकल्प आज पूरा हुआ है, एक सपना आज साकार हुआ है। मिलकर ये तय किया कि अपने बुजुर्गों को हम हवाई जहाज से भी तीर्थ यात्रा करवाएंगे।